उदयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्विस रिवॉल्वर से पत्नी पर फायर करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने आदेश जारी किए हैं। टीडी थाने पर तैनात कांस्टेबल मुकेश ने आज की थी पत्नी पर फायरिंग। ऐसे में खेरवाड़ा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। उदयपुर से ये बड़ी खबर है, अपनी पत्नी पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी और ऐसे में पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने आदेश जारी किए हैं। टीडी थाने पर तैनात कांस्टेबल मुकेश ने आज भी अपनी पत्नी की फायरिंग कर हत्या कर दी। ऐसे में खेरवाड़ा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से आपको बता रहे हैं, सर्विस रिवॉल्वर से पुलिसकर्मी ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में देखिए निलंबित पुलिसकर्मी को कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से लगातार आपको बता रहे हैं, सर्विस रिवॉल्वर से पत्नी पर फायर किया गया जिससे पत्नी की मौत हो चुकी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कांस्टेबल को तुरंत निलंबित किया गया है और साथ ही साथ प्रशासनिक कार्रवाई आगे की शुरू हो चुकी है। वहीं देखिए पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने आदेश जारी किए हैं, निलंबन उसे कर दिया गया है। टीडी थाने पर तैनात कांस्टेबल मुकेश ने की पत्नी पर फायरिंग। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ था पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, देखिए दरअसल मुकेश कुमार नाम का ये जो कांस्टेबल है, इसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से, चूंकि टीडी थाने पर ये तैनात था, तो इसने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी पत्नी पर फायर किया था चरित्र पर संदेह के चलते, जिससे उसकी पत्नी के कंधे पर गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हुई। और पुलिस ने अधीक्षक जो है भुवन भूषण यादव, उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया, चूंकि सर्विस रिवॉल्वर थी और इस तरीके से पुलिसकर्मी का फायर करना बेहद गंभीर विषय है। और इसीलिए सबसे पहले उस जो आरोपित जो कांस्टेबल है मुकेश कुमार, उसको निलंबित कर दिया गया है और डीएसपी ईस्ट को जो है इस पूरे मामले की अनुसंधान की जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो पूरा मामला है, इसमें फिलहाल जो आरोपित जो पुलिसकर्मी है, उसकी पत्नी का महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है और पुलिस की टीमें जो है आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। जी रवि, क्या कुछ पूरा मामला था जिस वजह से फायरिंग करनी पड़ गई? बिल्कुल, देखिए दरअसल ये जो अभी तक जो प्राइमा फेसी जो जानकारियां सामने आई हैं, ये जो कांस्टेबल है, इसको शक था कि उसकी उसकी पत्नी के चरित्र को लेकर उसको संदेह था और इसी आधार पर उसने जो है आज आपसी अनबन हुई पति पत्नी के बीच, जिसके बाद आवेश में आकर जो आरोपित कांस्टेबल है उसने फायरिंग की, ये घटना को अंजाम दिया और इसके बाद से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद खेरवाड़ा पुलिस, नया गांव पुलिस और अन्य आसपास की जो पुलिस है, उन्होंने टीमें बनाकर अन्य थाना क्षेत्र जो है आसपास के, वहां की पुलिस टीमों ने आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास जो है वो तेज किए हुए हैं। जी और बिल्कुल रवि, पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।